नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ विटामिन सी और आयरन से भरपूर आंवले के खट्टे मीठे अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले आंवले का अचार बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम आंवले लिए हैं, जिन्हें अच्छी तरह से धुलने के बाद कपड़े से पोंछ लिया है। नमी अब इनमें बिल्कुल भी नहीं है। सर्दी का मौसम है, मार्केट में बहुत बढ़िया आंवले आ रहे हैं, तो इनसे जो हम अचार बनाएंगे वो हमारा कई साल तक भी खराब नहीं होगा, चाहे हम अचार, मुरब्बा, चटनी जो भी बनाएं। अब इन आंवलों को मैं स्टीम करूंगी, तो यहाँ भगोने में मैंने 1-1.5 गिलास पानी उबलने के लिए रख दिया है और सारे आंवले छलनी में रख लिए हैं। अब इस छलनी को भगोने के ऊपर रखूंगी और प्लेट से कवर करके इसे 10 मिनट तक ऐसे ही स्टीम होने देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। आंवले स्टीम होते हुए 10 मिनट हो गई हैं। अब इन्हें चेक कर लेते हैं। देखिए कलर भी चेंज हो गया है और इन्हें नाइफ से हल्का सा दबा के देख रहे हैं तो ये हमें 70% तक ही कुक करने हैं, तो ये हो चुके हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे जिससे ये थोड़े ठंडे हो जाएं। तब तक अचार के लिए मसाला तैयार करेंगे। यहाँ मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख ली है, इसमें 2 चम्मच सौंफ डालेंगे और 2 चम्मच साबुत धनिया है, इसे भी डाल देंगे। लगातार चलाते हुए इसे 1 मिनट के लिए भून लेते हैं बस। सौंफ धनिया रोस्ट हो गया है, अब गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। सौंफ और धनिया के साथ मुझे 2 चीज़ और मिक्स करनी है, ये हैं 15-20 काली मिर्च और 2 पीपल। काली मिर्च और पीपल का टेस्ट आंवले के खट्टे मीठे अचार में बहुत बढ़िया आएगा, तो जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इन्हें मैं पीस लूँगी। आंवले भी रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं, अब इन्हें पीसीस में काट लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, इसे मैं चाकू से काट रही हूँ क्योंकि इन्हें मैंने सिर्फ 70% के करीब ही स्टीम किया है। अगर इन्हें मैं 100% तक स्टीम करती तो इसकी हाथ से ही फांके निकल आती, लेकिन जब इसका हम चाशनी में डालकर अचार बनाते तो ये मैसी सा हमारा अचार हो जाता, इसलिए इसे मैंने 70% तक ही स्टीम किया है। अब सारे आंवलों को इसी तरह पीसीस में काट कर रखेंगे। अब आंवले का खट्टा मीठा अचार बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई में 1 कप के करीब सरसों का ऑयल डाल दिया है, क्योंकि कोई भी अचार बनाएं सरसों के ऑयल में बना हुआ बहुत ही टेस्टी अचार लगता है। ऑयल गर्म हो चुका है, मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। इसमें 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच कलौंजी और 1/4 चम्मच हींग डाल दी है। ये हमें बस हल्के से भूनने हैं, ज़्यादा नहीं भूनने, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब जो हमने आंवले को पीसीस में काट कर रखा है, सारे कटे हुए पीस हम कढ़ाई में आंवले के डाल देंगे और फिर इन्हें 3-4 मिनट चलाते हुए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। अब थोड़े मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब काली मिर्च भी सौंफ धनिया के साथ पीसी है, तो मिर्च आप ध्यान से डालें। फ्रेंड्स, जैसे मैंने 1/2 किलो आंवले लिए हैं तो 1/2 किलो ही इसमें मैं बारीक तोड़कर गुड़ डाल रही हूँ, क्योंकि यही इसका मेजरमेंट है। 1/2 किलो आंवले में 1/2 किलो ही गुड़ डलता है। आप अगर मीठा थोड़ा कम पसंद करती हैं तो 400 ग्राम तक गुड़ डाल सकती हैं। गुड़ प्रिजर्वेटिव का भी हमारा ये आंवले के अचार में काम करेगा। स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गुड़ को आंवले में मिक्स करते जाएंगे, इससे होगा ये कि गुड़ हमारा मेल्ट हो जाएगा। ये जो मैंने सौंफ, धनिया, काली मिर्च और पीपल पीस के रखा था ना, ये वही मसाला है जो मैंने अचार में डाल दिया है। शुरू में आपको लगे कि गुड़ अभी जल्दी मेल्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है, तो बीच में 1-2 बार गैस को ऑफ कर सकती हैं और फिर ऑन कर लें। स्लो फ्लेम पर ही ये हमें गुड़ को मेल्ट होने देना है। तो आप देख सकते हैं गुड़ मेल्ट होने लगा है और अचार का कलर कितना बढ़िया आ रहा है। अब इसमें मैं 2 चम्मच अमचूर पाउडर है इसे डाल दूंगी और 2 चम्मच सादा नमक है इसे भी डालेंगे।
अमचूर पाउडर यहाँ मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आंवला कसैला होता है, तो अमचूर पाउडर डालने से बहुत ही खट्टा मीठा टेस्ट हमारे इस अचार में आने वाला है। दोस्तों, आंवले का खट्टा मीठा अचार बनाकर आप पूरे एक साल से भी ज़्यादा स्टोर कर सकती हैं। इसमें ना ही तो कोई प्रिजर्वेटिव डालने की आवश्यकता है और ना ही धूप दिखाने की, तो है ना कितना बढ़िया अचार। इसे आप पूड़ी पराठा जिसके साथ चाहे सर्व कर सकती हैं, ये खाने का मजा को तो दोगुना ही कर देगा। अब आप देखिए, गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है, इसे हम 3-4 मिनट बस और पकाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इसे हमने पका दिया तो ये जो आंवले की फांके हैं वो चिपचिपी सी हो जाएंगी। ये अभी आपको लिक्विड सा दिख रहा है, लेकिन जैसे ये ठंडा होगा तो ये हमारा गाढ़ा हो जाएगा। अब ये पक चुका है, गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे। देखिए दोस्तों, जब ठंडा ये हो गया है तो कितना ये गाढ़ा हो गया है ना, इसीलिए मैंने बोला था कि इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। यहाँ मैंने अचार स्टोर करने के लिए कांच के जार को धूप में सुखा के लिया हुआ है। अब सारे अचार को मैं इस बर्नी में डाल दूंगी। आई होप आपको ये आंवले के खट्टे मीठे अचार की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फैमिली फ्रेंड्स में अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे सर्दी के मौसम में आंवले का खट्टा मीठा अचार बनाकर वो भी पूरी साल के लिए स्टोर कर लें। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।